हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, बहुत टाइम से काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम आरव के क्लोथ्स का आप हॉल लेके आइए या बताइए कि बच्चों के कपड़े कैसे खरीदने चाहिए। तो आई थॉट कि एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, और क्योंकि आज ही हमारा पार्सल आया है फर्स्ट क्राई से, हमने आरव के लिए काफ़ी सारे कपड़े मंगाए थे घर के लिए, तो आई थॉट एक हॉल भी हो जाएगा और आप सबको मैं अच्छे से समझा दूँ कि कैसे कब कहाँ से सही तरह से आप बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर यूजफुल लगता हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है इससे। साथ में चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया है तो प्लीज़ हिट कर दीजिए, आप काफ़ी कुछ नहीं तो मिस करने वाले हैं। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चों के कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी छोटे होते जाते हैं, तो बच्चों के कपड़े में कितना इन्वेस्ट करना सही रहेगा कितना नहीं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को हमेशा अच्छे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। ब्रांडेड कपड़ों से क्या होता है कि उसके फैब्रिक अच्छे होते हैं, बच्चों के स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। साथ में रेगुलर बेसिस पे अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉटन फैब्रिक ही बच्चों के लिए यूज करना चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम कहेंगे बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े तो काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे। सो गाइज, एक बहुत ही आपको ब्रेन्स अपने लगाने पड़ेंगे और एक अच्छा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग को मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, चाहे वो हमारे लिए हो या हमारे बेबी के लिए हो। तो जब भी हम ऑनलाइन किसी भी ऐप को खोलते हैं, चाहे वो मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया या फर्स्ट क्राई हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, इन सभी पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे वैरायटी में कपड़े मिल जाते हैं, आप भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। तो व्हाट आई डू इज़, मैं क्या करती हूँ कि जो भी कपड़े मुझे आरव के लिए पसंद आते हैं वो मैं विशलिस्ट में डाल के रखती हूँ। तो जैसे ही कोई अच्छी सी बढ़िया सेल आ जाती है तो उसी टाइम मैं वो सारी चीज़ें जितनी विशलिस्ट में हैं वो उसके लिए खरीद के और एक स्टॉक में ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको किफ़ायती भी पड़ता है, आपको बहुत चीप प्राइसेस में और बहुत अच्छे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे रीसेंट ऑर्डर की अगर बात करें जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो फर्स्ट क्राई पे बहुत बढ़िया सेल आई है, काफ़ी ज़्यादा 50% है, उस पर भी कुछ डिस्काउंट्स है, तो काफ़ी रीजनेबल रेट्स में आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। आप भी फर्स्ट क्राई ज़रूर चेक करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में कौन कौन से कपड़े हमको कितने के पड़े थे वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी मंगाई थी, मैंने 5 नाइट सूट्स मंगाए, उसके सारे नाइट सूट्स छोटे हो गए थे, साथ में हमने 6 टी शर्ट्स मंगाई थी और 3-4 हमने शॉर्ट्स मंगाई थी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें उसकी काफ़ी जल्दी आजकल छोटी हो रही है क्योंकि हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो सारी चीज़ें छोटी हो जाई थी तो इस वजह से हमने उसको रीस्टॉक कर लिया। हमारे चैनल हेवनली बॉन्ड को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और गाइज, एक बात मैं बताऊं, जब सेल आती है तो आपको एक अच्छा सा डिसीजन ये लेना है कि फ्यूचर में भी आप अपने बच्चों के नेक्स्ट ईयर के भी कपड़े उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं और स्टॉक कर सकते हैं। जैसा कि हमने क्या किया था कि लास्ट ईयर के जब विंटर्स खत्म हो गए थे उसी टाइम फर्स्ट क्राई पे विंटर वेयर में बहुत ज्यादा अच्छी सेल आई हुई थी, तो हमने इस साल जो 2019 की विंटर्स आने वाली हैं उसके लिए ही आरएफ के लिए सारा स्टॉक ऑलरेडी खरीद लिया था और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में हमें काफी कुछ मिल गया था। विंटर हॉल हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे जो हमने लास्ट ईयर खरीदा था आरएफ के लिए, तो उसके लिए वेट करिए, ये अभी समर हॉल है। तो ये डिसीजन आप भी ले लीजिए, आप अभी जाइए फर्स्ट क्राई, आप जरूर खोलिएगा और देखिएगा, आपको काफी अच्छे अच्छे क्लोदिंग लाइंस मिल जाएंगे। प्लस गाइस, ब्रांड्स की अगर बात की जाए, मैंने काफी सारे ब्रांड्स ट्राई किए, सारे हाई एंड ब्रांड्स ट्राई किए थे आरएफ के लिए, बट घर के लिए स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्राई पे एक ब्रांड है बेबी हग, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी है। और प्लस जैसा होता है ना कि कुछ दिन पहनाने के बाद रोए निकल आते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, कलर खराब हो जाता है, उसमें ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आरव के लिए हमने क्या क्या लिया था। सबसे पहले नाइट सूट्स देख लेते हैं।
लास्ट टाइम हमने उसके लिए जितने भी नाइट सूट्स लास्ट ईयर खरीदे थे वो सारे बटन वाले थे, कॉलर वाले, तो बट अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है और बदमाशियां बढ़ रही हैं, तो वो बटन्स को खोल के उसको उतार दिया करता था। तो इस वजह से इस बार हमने टी शर्ट बेस्ड नाइट सूट्स उसके लिए लिए हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहला नाइट सूट। तो सबसे पहला है ये वाला, ये काफी ज्यादा क्यूट लगा था मुझे, और अगर फैब्रिक की बात की जाए तो फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत सॉफ्ट है। ये उसका टॉप है और बॉटम इसके साथ जो दिया हुआ है वो ऐसे स्ट्राइप्स में है, और दोनों का ही मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है, और ये हमको काफी रीजनेबल पड़ गया था। रेट तो मुझे अभी याद नहीं है, बट कोशिश करूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। इसके साथ ही हमने एक और नाइट सूट जो लिया था, आरव को स्टार्स और मून्स का काफी ज्यादा फैसिनेशन है, इस वजह से एक स्पेस वाला हमने उसके लिए ये टी शर्ट ली थी। इसके साथ ये बॉटम है, तो ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आरव इन सब कपड़ों में कैसा लग रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, हम वहां पे आरव की सारी पिक्चर्स जरूर अपलोड करेंगे इन सभी कपड़ों में। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके बाद जब मैं ये सारी चीजें ऑर्डर कर रही थी तो आरव भी मेरे पास आ गया, और ये वाला जो नाइट सूट है ये आरव ने खुद से अपने लिए पसंद किया था कि मम्मा स्टार्स, और ये देखिए ये कितना प्यारा है, और इसका लोअर भी सेम इसी तरह का है। और उसके बाद हमने दो नाइट, ये तीन थे और दो नाइट सूट जो हमने लिए हैं, एक ये वाला, इसका ये टॉप और ये बॉटम है, ये वाला, और साथ में एक ये वाला हमने लिया था, इसका बॉटम एकदम मैचिंग का सेम है। तो ये दोनों जो थे ये एक कॉम्बो पैक में हमें मिला था, और ये मुझे इसका रेट तो याद है, ये 1000 का कॉम्बो था और 50% डिस्काउंट में मुझे 500 में ये दोनों मिल गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी डील है, आपको 500 में या 250 में अच्छी टी शर्ट्स नहीं मिलती हैं और आपको पूरा नाइट सूट ही मिल गया, तो ये काफी अच्छा डील था। तो ये थे पांच नाइट सूट्स जो हमने लिए थे, ये सारे ही बेबी हग के हैं, और हमने जितनी टी शर्ट्स ली हैं अब आपको टी शर्ट्स दिखा देते हैं। साथ में गाइज मैं ये मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जितने भी ओपिनियंस हैं एकदम ट्रू है मेरे, कि मैं सच में मैं हमेशा से ही बेबी हग को काफी ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इसलिए तो टी शर्ट्स में मैंने एक ये ली है ऑरेंज कलर की, बच्चों को हमेशा कलरफुल से कपड़े पहनाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और साथ में एक नेवी ब्लू कलर की ये टी शर्ट काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। आरव के ऊपर डार्क कलर्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से, और स्पेशली नेवी ब्लू बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने दो नेवी ब्लू टी शर्ट्स मंगाई थी, और मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है सारी ही टी शर्ट्स का। एक ये येलो टी शर्ट है और साथ में एक रेड, तो बनता ही है बच्चों के लिए, जब भी कपड़े आते हैं तो रेड कपड़ा तो होना ही चाहिए। और अगर साइज की बात की जाए तो आरव इस समय 26 मंथ्स का है, तो हमने ये जितने भी कपड़े ऑर्डर किए हैं ये 2 to 3 इयर्स के बच्चों के कैटेगरी के कपड़े हैं। आप अपने बच्चों की एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ में एक टी शर्ट और है, ये ब्लू कलर की, ये भी काफी ज्यादा प्यारी है, और इन सब के साथ शॉर्ट्स लिए हमने दो तीन, तो एक ये येलो शॉर्ट्स हैं, और ये शॉर्ट्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के ही पड़े हैं, बट अगर 100 के हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके मटेरियल में कुछ कॉम्प्रोमाइज है, मटेरियल बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साथ में एक ये वाली है एंड लास्टली एक ग्रे कलर की शॉर्ट्स हैं।
आई होप आपको ये सारे ही कपड़े पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करिएगा, आरव को आप देख सकेंगे इन कपड़ों में, तो आपको भी काफी अच्छा लगने वाला है। और अपने बच्चों के लिए भी फर्स्ट क्राई से जाके शॉपिंग जरूर करिएगा। आप मिंत्रा भी चेक कर सकते हैं, हम मिंत्रा से भी शॉपिंग करते हैं आरव के लिए, वहां पे भी काफी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। मिंत्रा में स्पेशली जब एंड ऑफ सीजन सेल आती है साल में 2 बार, उस टाइम आप कपड़े लीजिए, वो काफी अच्छे पड़ जाते हैं। उसके बाद गाइज एक टिप है मेरी तरफ से, जब भी बच्चों के लिए नए कपड़े लेके आए आप, तो उनको बिना वॉश किए बच्चों को बिल्कुल भी मत पहनाइए। आप खाली पानी में भी अगर वॉश कर दे तो भी चलेगा, बट हल्का सा इजी या कोई डिटर्जेंट जो आप बच्चों के कपड़ों के लिए यूज करते हैं उसको यूज करिएगा, और वॉश करके तभी बच्चों को पहनाइएगा। कि हमें क्या पता कि वो किसने पहने इसके पहले, किसी के पास गया हो, उसने उसको रिप्लेस किया हो, या तो फिर वो क्या केमिकल्स उसमें यूज हुए हैं। स्पेशली गाइस जितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो सारे बायो वॉश से होते हैं, तो उसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज होते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहे होते हैं। बट हमेशा प्रेफरेबल होता है कि हम वॉश करके फिर ही बच्चों को उसको पहनाएं। जैसे कि आप इस तरह का लेबल देख सकेंगे बायो वॉश का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको हमारा ये हॉल अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके बताइएगा, हम जल्दी ही और हॉल्स लेके आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे के विंटर वेयर के हॉल्स लेके आए तो आप वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आप अपने बच्चों को कौन से ब्रांड के कपड़े पहनाना प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच।